नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। खबर देख रहे हैं आप नोहर से, जहां न्यूज 21 की टीम ने श्री श्याम गौशाला सेवा समिति सोनड़ी के अध्यक्ष रूपाराम गोदारा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद छीपा, सचिव सहदेव, मैनेजर सुरेंद्र नाइक के साथ विशेष चर्चा की है। आपको बता दें, गौशाला अध्यक्ष रूपाराम गोदारा ने कहा है कि पिछले 11 साल से गौवंश की वो सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही सोनड़ी गौशाला में अच्छे तरीके से साफ सफाई भी की जा रही है। ये गौशाला करीबन 17 बीघा में फैली हुई है। वहीं गौशाला में दान देने वाले भामाशाहों की अगर हम बात करें तो ये काफी लंबी फेरिश्त है। गौशाला में सांसद विधायक अच्छा सहयोग दे रहे हैं। वहीं खासतौर पर अगर हम बात करें, विधायक अमित चाचान गौशाला को काफी जन सहयोग करते आ रहे हैं लंबे समय से। वहीं भामाशाहों की अगर हम बात करें तो सोनड़ी गौशाला के लिए हर वक्त दानदाता जो है वो तैयार खड़े में मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौशाला संघ के जिला अध्यक्ष और नौहर तहसील अध्यक्ष दयाराम शीलू हर गौशाला का निरंतर निरीक्षण करते रहते हैं, साथ ही गौशाला में अंधे गौवंश की खास तौर पर देखभाल भी की जाती है। इसके लिए एक पशु चिकित्सक हमेशा गौशाला में ऑन ड्यूटी रहते हैं। देखिए विशेष रिपोर्ट। बातचीत में सोनड़ी गौवंश रक्षा समिति के अध्यक्ष रूपराम गोदारा ने बताया कि गौशाला के अध्यक्षों की राज्य सरकार से एक ही मांग है कि छोटे बड़े गौवंश को राज्य सरकार की तरफ से 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान दिया जाए, ताकि गौ माता की सेवा और देखरेख अच्छे तरीके से की जा सके। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से अपील करते हुए अध्यक्ष रूपाराम गोदारा ने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 9 महीने का अनुदान मिल रहा था, उसे भजन लाल सरकार 12 महीने तक बढ़ाकर गौवंश का मान रख सकती है। सोनड़ी गांव के लोगों का गौशाला के लिए बहुत ही बढ़िया सहयोग मिल रहा है। इस मौके पर न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने गौवंश रक्षा समिति के अध्यक्ष रूपराम गोदारा से खास मुलाकात की है, जिसमें गौशाला में विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा की गई है। नौहर से सुनील कुमार की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आज हम मौजूद है नौहर के पास, एक गांव है बिल्कुल सोनड़ी जो गौशाला है, उनके जो अध्यक्ष साहब है रूपराम जी गोदारा। बिल्कुल 11 साल का कार्यकाल हो चुका है, लगातार पूरे गांव में जाके विजिट की थी बिल्कुल, तो पूरी जनता से बातचीत की, तो जनता का बिल्कुल एक ही कहना है, इस बार गोदारा परिवार को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है 11 साल से, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ इस गौशाला के अंदर विकास कार्य भी हो रहे हैं। लगातार हमने इस गौशाला का निरीक्षण किया, तो ये गौशाला लंबे समय 17 बीघों में इसमें शेड का भी निर्माण हो चुका है, बिल्कुल बहुत शानदार जो सरकार से सुविधा आ रही है बिल्कुल उसका भी बिल्कुल यहाँ से लाभ भी मिल चुका है। बात करेंगे जो विधायक साहब है अमित जी चचान, तो बिल्कुल उन्होंने भी यहाँ शेड का निर्माण करवा दिया है बिल्कुल। बात करेंगे एमपी साहब की, तो एमपी साहब ने भी अच्छा सहयोग किया है बिल्कुल, और पूरे ग्राम पंचायत का अच्छा सहयोग मिलता है इस गौशाला को। लगातार जो गौवंश है उनकी अच्छे तरीके से लमसम रेख देख की जाती है। जो मुनीम जी है सुरेंद्र जी नाई बिल्कुल, वो भी अच्छे तरीके से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं काफी टाइम से, बिल्कुल इस गौशाला से जुड़े हुए हैं। आज आज हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष साहब, क्योंकि अध्यक्ष साहब न्यूज 21 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अध्यक्ष साहब, सबसे पहले तो मैं गौशाला का पूरा नाम जानना चाहूंगा, श्री श्याम गौशाला समिति सोनड़ी। तो सर 11 साल हो गए बिल्कुल संघर्ष करते हुए, 11 साल के अंदर किस प्रकार यहाँ की जनता का प्यार मिला, कैसा रुझान मिला आपको? गांव का बहुत बड़ा रुझान है और गांव के लोगों का बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत पैसे देते हैं गांव वाले लोग, अच्छा सहयोग करते हैं और सरकार भी अच्छा सहयोग कर रही है। तो गुदारा जी बिल्कुल 11 साल हो गए, 11 साल के अंदर आपने क्या यहाँ इस गौशाला के अंदर प्रोग्रेस की है, क्योंकि यहाँ की जनता ने बड़ा विश्वास जताकर 11 साल से आपको अध्यक्ष नियुक्त कर रखा है, ये बड़ी बात है। पहली गौशाला है ये जो लगातार आप ही इसके अध्यक्ष और इतना पुराना इसका मुनीम है, नहीं तो कहीं ना कहीं देखा था मतलब हर 2 साल बाद कार्यकारिणी चेंज हो जाती है, तो किस प्रकार आपने यहाँ विकास करेगी है? यहाँ पर प्रेम भाव से होता है सब कुछ, इसलिए हम ही बैठे हैं, हमें कोई बदला किया नहीं लोगों ने, और लोगों का मानना ये है कि ये ईमानदार आदमी है, इसलिए इनको ही रखेंगे और दूसरे को बदलेंगे ही नहीं। तो गुदारा जी जैसे बात करें विकास की, जैसे शेड का निर्माण हो गया, गौशाला की 4 दीवारी होगी, ऐसा कोई क्या क्या विकास कराया आपने, जैसे रूम की व्यवस्था हो गई या? ये तो सहयोग से ही होता है, जन सहयोग से हो गया ज्यादातर तो, और कुछ एमपी की तरफ से हुआ, कुछ एमएलए की तरफ से हुआ, इसी तरह ये चलता रहता है। बात करेंगे सरपंच साहब विनोद जी, उनका किस प्रकार सहयोग मिल रहा है गौशाला में? सरपंच साहब का बहुत बड़ा योगदान है, सरपंच साहब ने अच्छा सहयोग किया है हमारे यहाँ। तो सर बात करेंगे बिल्कुल राज्य सरकार से अनुदान आ रहा है,
9 महीने का बिल्कुल है, क्योंकि कांग्रेस की टाइम बिल्कुल 6 महीने का किया था अशोक जी ने, फिर 9 महीने का किया। तो अब बिल्कुल नई सरकार बन चुकी है भाजपा की, सीएम साहब ने बन चुके हैं भजनलाल जी शर्मा। क्या कुछ कहना चाहते हो आज, वो भी आपको कैमरे के माध्यम से बिल्कुल लाइव वर्जन में देख रहे हैं, क्या आपकी अपील रहेगी? भजनलाल जी से निवेदन है कि वो अनुदान को कुछ बढ़ाए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए इतने अनुदान से काम नहीं चल रहा है। तो अनुदान अगर बढ़ जाए तो हमें भी 12 महीने का कर दें तो सबसे बढ़िया है। और हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि वो अनुदान है उसको बढ़ाए कुछ। तो गुजारा जी, जैसे देखा है छोटा गोवंश है, बिल्कुल 20 रुपए दिए जाते हैं सरकार की तरफ से और 40 दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं 20 रुपए से पालन पोषण नहीं होता ना 40 रुपए से। तो आपकी क्या मांगे रहेगी सरकार तक? हम बिल्कुल आपकी लगातार आवाज ही पहुंचा रहे हैं, आवाज मुद्दे भी उठा रहे हैं गुजारा जी। हमारी मांग ये है कि 20 वाली जगह 40 करो और 40 वाली जगह 80 करो और 12 महीने का अनुदान करो इसमें। इससे मतलब गौशाला की हर समस्या का समाधान हो सकता है कहीं ना बाद में, अगर इतना अनुदान मिलेगा तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 600 गोवंश है हमारे पास। 600 गोवंश, उनकी रेखदेख किस प्रकार की जाती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बिल्कुल काफी डेथ भी हो रही लगातार देखा है। हमारे यहाँ पंखे का सिस्टम है, इसलिए वो गर्मी ज्यादा नहीं मनाते हैं और अच्छी छाए है और पेड़ पौधे भी अच्छे हैं, इसलिए हरियाली भी है यहाँ पर, तो गर्मी ज्यादा नहीं सता रही और गोवंश एकदम खुश है यहाँ पर। तो कितने मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ? 10 मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो खुला बंदी जेल वाले खुले बंदी है हमारे पास 15 आदमी, उनमें कुछ कम ज्यादा रहते हैं, वो 10-12 आदमी काम करते हैं। तो देखिए आगे क्या मतलब ख्वाहिश चल रही है मन के अंदर, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया आपको विकास को लेकर दिमाग में होता ही है, क्योंकि ये गौशाला 17 बीघे में बहुत लंबी चौड़ी है, इसकी जगह बाकी पड़ी है, आगे क्या प्लान कर रहे हो उसके अलावा भी? ये चलता ही रहेगा विकास कार्य, तो आने वाले समय में चलता ही रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं, कोई भी गौशाला में रुका नहीं कभी, गौशालाओं में काम चलता ही रहता है। तो बात करेंगे सर, जैसे एक साल से अब लगातार जो भमसा है जुड़े हुए हैं आपसे, तो कितना लंबा समय एक साल का यहाँ योग हो जाता है गांव वालों का या दानदाताओं का? भामाशाहों का योगदान बहुत अच्छा है यहाँ पर, 25-30 लाख रुपए सालाना आ जाते हैं। कथा वगैरह करवाते हैं? कथा करवाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पे गो कथा करवाते हैं हम, या कभी भागवत कथा करवा देते हैं, तो उस टाइम में यहाँ बड़ा अच्छा माहौल बनता है लोग। कथा में सर क्या कुछ सहयोग मिलता है? कथा में मिलता है सहयोग ज्यादा, कथा के समय लोग बढ़ चढ़ कर दान देते हैं, कथा के समय बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो गुजारा जी, जिसे देखा है तहसील अध्यक्ष हैं दयाराम जी सीलू और जिला अध्यक्ष विजय जी रुंदा, आपको बताइए वो किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, या उनकी आपके आपकी कोई समस्या होती है आप उनको कहते हो अभी ये समस्या आ रही है, मंत्री तक बात करते हैं आपकी? जिला अध्यक्ष सर वो कभी कभी आते हैं समय पर, वो निरीक्षण करके भी जाते हैं, अच्छा सहयोग है उनका भी, और अच्छी तरीके से वो कोई स्कीम होती है वो हमें बता देते हैं। अच्छा, कोई भी होती है? हाँ ठीक है। तो हमारे साथ जो मुनीम जी हैं वो भी यहाँ काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल है सुरेंद्र जी, आज इनसे भी जानेंगे किस प्रकार की परिस्थितियां रही थी, किस प्रकार छोटे से मतलब लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की गौशाला लेके आए थे, क्योंकि हर एक बात का इनको बिल्कुल नॉलेज भी है, पता भी है। तो सुरेंद्र जी स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर मतलब इतने टाइम हो गया 11-12 साल से संघर्ष कर रहे हैं इस गौशाला के अंदर, किस प्रकार ये अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जी और प्रोग्रेस कर रहे हैं, पूरी टीम कैसे कर रही है? नहीं, वो गांव वालों का प्यार है, गांव का जन सहयोग है, बहुत बढ़िया 40-1 लाख आसपास राउंड फेयर में। टोटल मतलब है गांव वालों को मिला के या भामाशाह मिला के हो जाता है 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर? नहीं, 1 करोड़ नहीं होता है, वो 70 के आसपास ही रह जाता है। तो भामाशाह कितने जुड़े हुए हैं? पूरा गांव जुड़ा हुआ है, ये सिस्टम है ना पूरा गांव का है, ये नहीं हम बाहर चले जाते हैं रसीद लेके, वो सिस्टम नहीं है, ये जो भी दिखाई दे रहा है ना आपको वो पूरा जन सेवा गांव का ही है। तो सर बात करेंगे जो आपकी गौशाला है इसके अंदर एक ऐसी चीजें देखिए, लगातार जो मशीनें भी लगा रखी है जो गोमस को उठाने के लिए, और आपने वो जाल भी लगा रखा है अंदर, पक्षी भी लगे नहीं आते इसके अंदर जो, तो ये असल मतलब कैसे पूरी प्लान दिमाग में आया, फिर किस प्रकार ये मतलब आपने सोच आई कि अपने को ये करना चाहिए? जिस चीज की कमी हो ना और जब आपसे विचार हो तो वो हाथ बनवा देते हैं, कोई भी चीज हो, किसी चीज की कमी हो और आपसी विचार में हो जाता है कि इसको पूरा किया जाए और उस टाइम ही पूरा हो जाता है। अध्यक्ष साहब और कोषाध्यक्ष जी और इनकी पूरी टीम अच्छा काम कर रही है, फुल सहयोग है, ये तो पूरे दिन रहते हैं। अच्छा, पूरे दिन ही रहते हैं। हाँ
ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ ताऊ जी जुड़ चुके हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम राम। क्या नाम है? मेरा नाम मई राम जांगीड़। जांगीड़, नाम तो बहुत मोटो है, काम क्या होना रहा है? काम तो बहुत अच्छा है, टेंशन जुड़े थोड़ा से आदमी हूं भैया। जैसे हूं जुड़े डरो। हां ज्यादा गौशाला मेरो और के करना है। राम राम गौशाला में राम। अरे मुनीम जी रे दक्षी है, लड़कियां काम करे कुछ नहीं। आ ठोकरे 13 साल हो गए जो मारे का छोड़ लिया। छोड़ा हुए और ले वो कौन लानो मैं थोड़ा को नहीं रह रहा। गुदारा जी बढ़िया काम करवा ला रहे। अच्छा खूब है, ये संतुष्ट खुश हो गांव वाले। बड़ा बड़ा दिल से रख रहा है ना। बिल्कुल आप भाई। हां ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल एक ही मांग है अध्यक्ष साहब की और पूरे राजस्थान की बात करें जितने भी गौशाला है उनके तहसील अध्यक्षों की या जिला अध्यक्षों की या गौशाला के जो अध्यक्ष हैं या गौशाला की जो पूरी टीम है, बिल्कुल जो अनुदान को लेकर 9 महीने का जो अनुदान आ रहा है बिल्कुल इसको 12 महीने का कर दिया जाए ताकि गौशाला को कहीं जाकर मांगना ना पड़े। बिल्कुल इस जो ये गौशाला है इसके अंदर अच्छे तरीके से काम भी हो रहा है लगातार, जो गाँव के गणमान्य लोग हैं। देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।